यहाँ से एक आउटपुट का टैग बना लेता हूँ, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने क्यों काउंटर यूज किया था और आउटपुट क्यों यूज नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए, आप जो भी आउटपुट एड्रेस आपने लिया है आप यहाँ पर ले लीजिए और इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हम वन शॉट इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। इसके बारे में मैं बता भी दूंगा कि हम लोग क्यों यूज करते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से मुझे पल्स देनी होगी, तो जैसे ही मैंने फोर्स ऑन करूँगा यहाँ से जाऊँगा इनेबल, देखिए फोर्स ऑफ किया देन फोर्स ऑन किया, राइट। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब अगर मेरे को क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने ये यूज किया है, आप चाहते हैं और भी इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे पास एक और इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे वन शॉट राइजिंग, तो उसके लिए मैं ONS हटा दूंगा। मैंने यहाँ पर सिंपल एक NO इंस्ट्रक्शन लिया और इनपुट का एड्रेस दे दिया। यहाँ पर वन शॉट राइजिंग में क्या होता है कि जब वन शॉट राइज करता है यानी ऑफ टू ऑन होती है पल्स मेरी, उस समय डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है स्टोरेज बिट, एक होता है आउटपुट बिट। तो स्टोरेज बिट यानी इंटरनल बिट आपको बनानी पड़ेगी, तो एक टैग बना लीजिए यानी बिट मैंने 00 ले लिया और ये मेरा डेटा रहा बूलियन टाइप। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, स्टोरेज बिट में आप बिट का एड्रेस दे दीजिए और आउटपुट बिट में आप आउटपुट का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आउटपुट एड्रेस ले लिया था, आप एड्रेस दे सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका यूज होता है। तो वन शॉट राइजिंग इंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा यूज होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों यूज करते हैं। इसका पर्पज क्या होता है कि जब हाई स्पीड की पल्सेस आती हैं फील्ड से, जैसे कि एनकोडर वगैरह हम लगाते हैं तो काफी हाई स्पीड से पल्सेस आती हैं, आप चाहते हैं कि हर एक पल्स को डिटेक्ट किया जा सके, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं उसको डिटेक्ट करना, तो उसके लिए हम लोग वन शॉट राइजिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जैसे मैंने फोर्स ऑन किया और यहाँ से आपको फोर्सेस क्या करने होंगे, इनेबल करने होंगे, ये देखिए फोर्स ऑफ करूंगा फोर्स ऑन करूंगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको मैं डायरेक्टली आउटपुट पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे आउटपुट पर, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम यूज क्यों करते हैं इसको। देखिए आउटपुट मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, आप देखिए इस सिमुलेटर में 0 आउटपुट। यहाँ से मैंने जैसे ही ऑन किया ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है कि ये पल्सेस जो डिटेक्ट हो रही है आउटपुट पे जा तो रही है, लेकिन आउटपुट क्या होता है, एक कॉइल होती है, तो वो उसको ऑन होने के लिए एक कंटिन्यूस सिग्नल की जरूरत होती है, एक परमानेंट सिग्नल, ज्यादा टाइम की सिग्नल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा इसी आउटपुट से, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा अभी कि स्टोरेज बिट का मतलब है कि इस बिट में डेटा स्टोर हुआ राइजिंग एज का, देन वो सेंड हो गया आउटपुट पर। तो अगर आप क्या करते हैं, इसी आउटपुट का एड्रेस आप यहाँ पर ले लेते हैं और इससे एक टाइमर कनेक्ट कर, सॉरी काउंटर कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको ये पल्स काउंट होती हुई भी दिख जाएगी। मतलब इसका यह है कि राइजिंग एज पे आपको पल्स काउंटिंग होती हुई भी दिख जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ से देखिए, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है वन शॉट राइजिंग, एक वन शॉट फॉलिंग इंस्ट्रक्शन भी होता है, क्योंकि वन शॉट राइजिंग का मतलब है जब पल्स राइज करती है उस समय डिटेक्ट करना हो तो वन शॉट राइजिंग यूज करते हैं। एंड वन शॉट फॉलिंग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जब पल्स हमारी चली जाती है उस समय हमें डिटेक्ट करना हो, यानी ऑफ टू ऑन स्टेट पे जाना हो तो वन शॉट राइजिंग है, और ऑन टू ऑफ स्टेट पे जाना हो वन शॉट फॉलिंग होता है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ वन शॉट राइजिंग है। ये देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इनेबल फोर्सेस किया, तो यहाँ देखिए पल्स आ गई एंड जा रही है। अभी देखेंगे जब जब पल्स आएगी तब तक काउंटर मेरा काउंट कर रहा है। तो जब मैंने डायरेक्ट आउटपुट लिया था तो आउटपुट पे मेरा ये शो नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स होती है, इंस्टेंट पल्स होती है। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया, काउंटर लगा दिया, जिससे कि काउंटर पे आपको पता चलता रहेगा कि पल्स आ रही है। यानी इसका मतलब यह है कि जब भी पल्स आएगी, जैसे मैंने ऑन किया, इसका मतलब ऑफ से ऑन स्टेट में गए, इसको बोलते हैं वन शॉट राइजिंग, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं, तो वन शॉट राइजिंग इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो होप आपको ये
इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा और आगे आप इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।